साथियों नमस्कार। साथियों आपको पता है कि कल संयुक्त मोर्चे की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है और सभी वर्गों से रिक्वेस्ट की गई है कि इस आंदोलन में, इस बंद में सारे सहयोग करें। सभी आढ़ती भाई, सभी व्यापारी भाई, दुकानदार भाई, कर्मचारी भाई, ट्रांसपोर्ट वाले, शहर वाले, दुकानों वाले और जो जो भी महकमे हैं वो सारे इस बंद में सहयोग करें। और कल सुबह से 6 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ये बंद रहेगा और पूरे रोड भी जाम रहेंगे पूरे देश के। जो राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे हैं वो सारे बंद रखने हैं। पूरा बाज़ार बंद रहेगा, पूरे सभी संस्थान बंद रहेंगे। तो हमारी बेनती है कि इस आंदोलन में हर भाई ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले। पूरे देश के लिए ये आंदोलन है, ये केवल किसानों के लिए नहीं है, पूरा देश, जो भी आदमी रोटी खाता है उन सब का आंदोलन है, सब के लिए लड़ा जा रहा है। इसलिए मेरी बेनती है, अनुरोध है कि जितने भी वर्ग हैं वो सभी इसमें पूरी तरह से भाग लें। कर्मचारी भी, मजदूर भी, फैक्ट्रियों वाले भी, जो व्यापारी, आढ़ती, शहर वाले, जितने भी वर्ग हैं वो सारे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और एक हम बेनती करेंगे कि एम्बुलेंस, मिलिट्री गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, कोई मरीज, कोई एयरपोर्ट जाने वाला, कोई अति ज़रूरी जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी, ऐसे जो अति ज़रूरी व्हीकल हैं, कोई शादी है, ऐसे लोगों को कृपया नहीं रोकना, ऐसे लोगों के लिए सड़क जाम नहीं करनी, ऐसे लोगों को जाने देना है। इन सब को छूट दी गई है संयुक्त मोर्चे की तरफ से। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हर नागरिक इस आंदोलन में अपने अपने तरीके से जरूर भाग ले कल के बंद में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन करना यही पड़ेगा। हमारे पास सम्मन भेजने शुरू कर दिए हैं, पुलिस ने कोर्ट के माध्यम से भेजने शुरू कर दिए हैं, तो हम किसी भी अपने किसान भाई को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। हमारा साफ तौर पे ऐलान है कि कोई भाई, चाहे पुलिस बुलाए और चाहे कोर्ट बुलाए, किसी भाई ने नहीं जाना है। जब हमारे आंदोलन का फैसला होगा तभी हमारे मुकदमों का फैसला भी साथ में हो। कल भारत बंद बुलाया सर, उसको लेकर कुछ नहीं? हाँ, उसको लेके एक तो सभी वर्गों से निवेदन है कि वो अपने अपने संस्थान बंद रखें, और चाहे वो आढ़ती हैं, व्यापारी हैं, और चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, कर्मचारी भाई हैं, सभी से अनुरोध है। दूसरा, सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक जो है वो सभी हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे बंद रहेंगे, और उसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कोई मिलिट्री गाड़ी, फौजी गाड़ी, किसी ने एयरपोर्ट पे जाना है या फायर ब्रिगेड होगा, आपातकालीन सेवाएं जो हैं उनको हम छूट दे के रखेंगे, वो नहीं रोकेंगे। महापंचायत के बारे में क्या कहोगे आज की पानीपत महापंचायत? महापंचायत बहुत बढ़िया महापंचायत हुई है, और यहाँ के जो आयोजक हैं उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। मालपुरिया जी हैं और जो यहाँ की आयोजक टीम है उनके सब का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे किया है। देखिए, जो भी इस बंद का समर्थन करे उसका वो कोई भी कर सकता, सभी का जो है वो करना चाहिए सहयोग, क्योंकि आंदोलन सभी के लिए है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए, ना किसी वर्ग के लिए। आपने उंगली टेढ़ी करने की बात की, सीधी उंगली से खीरी निकलता तो उंगली टेढ़ी करना किसान जानते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर सड़क पे बैठेगी ना सुनी, फिर दिल्ली घेरनी पड़ेगी, फिर प्रधानमंत्री के निवास पे जाना पड़ेगा। आपने एक बयान और दिया कि हरियाणा के किसान ने अगर लाठ उठा लिया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्या बयान दिया? देखिए, जो हरियाणा का किसान है वो जो है एक बहादुर किसान है, बहादुर कौम है, कम्युनिटी है हरियाणा की, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी बरादरी के हो, लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा लठ मार रहे हैं और हम इनको बहुत रोक रहे हैं, तो ये मजबूरी बस रुके हुए हैं। लेकिन